Hi everyone, good evening and welcome back to Unacademy Plus and Unacademy's YouTube channel. Let's start with today's class, which is on the topic authoritarian and totalitarian regimes. Alright, jaldi se aap log sab log join kare, fatafat se. Ram Shankar, Mithun Jyoti, Archana, Subhashri, Dharmendra, Jitendra, hi. आप कल भी बोल रहे थे हाय मैम, बट मैं क्लास में ले रही थी टॉपिक तो मेरे से आपकी बात नहीं हो पाई कल. दीपक पामोली, नेहा रायपुरिया, सुभाषरी, गुड इवनिंग, हाय. ऑल राइट, अर्पित गुड इवनिंग, सुनील गुड इवनिंग. ठीक है, चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं फटाफट से, बिना टाइम वेस्ट करें. All right. Hi Shalini. So before I start, मैंने आप लोगों को कल भी बताया था. I am Tanvi. Okay, hi Tanvi. और मैंने आपको कल भी बताया था कि new courses कुछ start हुए हैं. उसमें से ये वाला course already start हो गया. बाकी ये दोनों courses भी जुलाई में start हो जाएंगे. सो जल्दी से फटाफट एनरोल करवा लो अगर अभी तक नहीं कराया है. नीलम, मोनालिसा एंड ममता अहिरवाल, गुड इवनिंग. यूट्यूब चैनल आप लोगों को पता है, बाकी वीडियोस के लिए यूट्यूब चैनल अनअकैडमी के अलावा अगर एक्स्ट्रा हेल्प चाहिए तो आप मुझे यहाँ ज्वाइन कर सकते हो, ये मेरा पर्सनल चैनल है. हाय रिक्सन, गुड मॉर्निंग नीलम, ममता गुड इवनिंग लिखो. ऑलराइट, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, माई कोड विच इज सुप्रीत लाइव, विच गिव्स यू 10% ऑफ ऑन प्लस सब्सक्रिप्शन. ऑल राइट, मूविंग अहेड, मैं आज स्टार्ट करने वाली हूँ आपके साथ. टॉपिक है अथॉरिटेरियनिज्म एंड टोटैलिटेरियनिज्म. अच्छा, अथॉरिटेरियनिज्म और टोटैलिटेरियनिज्म के टॉपिक को लेकर स्वाति एंड तस्लीम ऑल्सो गुड इवनिंग. चलिए अब हम पढ़ना शुरू करेंगे डायरेक्टली. जहाँ तक बात आती है अथॉरिटेरियनिज्म और टोटैलिटेरियनिज्म की, तो इन दोनों टॉपिक्स में रहता है बहुत ही लाइट कंफ्यूजन. मतलब आपको ये तो पता है कि ये डेमोक्रेसी से उल्टे हैं, ये डेमोक्रेसी के ऑपोजिशन में है, डेमोक्रेसी से अलग है. ये सब बातें मैं नहीं बताऊंगी क्योंकि ये वाला कॉन्सेप्ट आपको भी पता है, कोई स्टूडेंट स्कूल का होगा उसको भी पता होगा. जो बातें हमें नहीं पता उसमें से कुछ ये है कि इन दोनों के बीच में क्या कोई डिफरेंस होता है या ये दोनों एक ही टर्म्स हैं. गुड इवनिंग टू एवरीवन जिसने बीच में ज्वाइन किया है, कल्पना, लक्ष्मी, रेखा, मंजीत, स्नेहा, रजनी. ऑलराइट, सो इन दोनों के बीच में डिफरेंस होता है. डिफरेंस समझना आज के चैप्टर का सबसे बड़ा एम है. सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पर एक फर्स्ट लाइन नजर आ रही होगी कि अथॉरिटेरियनिज्म का जो कॉन्सेप्ट है ये जो है ब्लाइंड सबमिशन मानता है किसी भी अथॉरिटी की तरफ. सबसे पहले इस टॉपिक को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको ये बात याद करा दूं, ये कंपैरेटिव के उस चैप्टर का पार्ट है जिसमें आप लोग रेजिम्स पढ़ा करते हैं. कंपैरेटिव का जो चैप्टर है जिसमें रेजिम्स डिस्कस होते हैं उस चैप्टर का सब टॉपिक है अथॉरिटेरियनिज्म और टोटैलिटेरियनिज्म. अच्छा, ब्लाइंड सबमिशन टू अथॉरिटी का मतलब क्या है? ब्लाइंड सबमिशन मतलब आंखें बंद कर किसी एक अथॉरिटी के ऊपर अपने आप को सौंप देना, अपने आप को प्रस्तुत करने के लिए तैयार रहना. ये जो एक्शंस होते हैं ये इंडिविजुअल फ्रीडम, जो हमारी अपनी फ्रीडम होती है थॉट की, सोचने की, एक्शन की, इस सबसे बिल्कुल ऑपोजिट होते हैं. क्यों ऑपोजिट होते हैं? क्योंकि ये प्रिंसिपल्स तो डेमोक्रेसी की निशानी है ना. लिबर्टी और फ्रीडम ऑफर करना तो डेमोक्रेसी की निशानी है. ठीक है, सो हाँ बिल्कुल, वेरी नाइस रीजन. तो एक गवर्नमेंट में, एक अगर आप कहो पॉलिटिकल एक बैकग्राउंड में, अगर अथॉरिटेरियनिज्म एक पॉलिटिकल रेजिम है या सिस्टम है तो वो क्या करेगा? वो ऐसे लोगों के हाथ में, या तो एक लीडर के हाथ में या एक एलीट के हाथ में पावर सौंप देगा, जो एलीट या जो लीडर संविधानिक तौर से आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए रेडी नहीं है. वो आपको संविधानिक तौर पर ना किसी चीज का जवाब देगा,
ना आपके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाएगा, ना आपका कोई काम करेगा, बल्कि वो एक ऐसा बंदा होगा जो आपकी फ्रीडम और थॉट और एक्शन को सरेंडर करने को आपसे कहेगा। ठीक है, अब ये बात है कि अगर आपके ऊपर किसी का कंट्रोल ही नहीं है, अगर आप एकदम फुली फ्री हो या आप पूरी तरीके से आजाद हो, मतलब आपको कोई कंट्रोल नहीं कर रहा, मतलब आप जो पावर है उसको आर्बिट्रेरली एक्सरसाइज करोगे। ठीक है, आर्बिट्रेरली एक्सरसाइज मतलब खुली छूट से, अपनी मर्जी से, जब दिल में आएगा तब एक्सरसाइज करोगे। इस वजह से आप कोई भी लॉ को नहीं मानोगे। अगर देश में कोई बॉडी बनी है लॉ के लिए तो आप उसको नहीं मानोगे। और आप क्या करोगे, आप जो एक ऑप्शन होता है कि वोटिंग के द्वारा, इलेक्शंस के द्वारा आप रिप्लेस कर सकते हैं अपने, आपको रिप्लेस किया जा सकता है, नया कंपटीशन आ सकता है, वो ऑप्शन तो आप दे ही नहीं रहे। आप यूजुअली मोस्ट ऑफ द टाइम आप ये ऑप्शन दोगे ही नहीं जनता को कि उसमें से कोई नया आकर पावर में आ सके, आप ये ऑप्शन नहीं दोगे। उल्टा आप क्या करोगे, आप अपना कंपटीशन जितना कम हो सके उतना करने की कोशिश करोगे। ठीक है, अब यहां पर जैसे अलग अलग जो पार्टीज होंगी, पॉलिटिकल पार्टीज होता है या ऑपोजिशन होता है, ये लोग रेडी रहते हैं कि ये इंडिपेंडेंटली अपनी पॉलिसी बना सकते हैं, सरकार की पॉलिसी रिजेक्ट कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ मिल सकते हैं, मीटिंग्स कर सकते हैं और रूलिंग पार्टी के खिलाफ कहीं ना कहीं कुछ एक तैयार के लिए किसी पॉलिसी के तहत। ठीक है, बट क्या ममता, नहीं टफ नहीं है ये टॉपिक, आप सुनो आज आपको इजी लगेगा। ठीक है, बट यहां पर ये जो पावर है कंपटीशन क्रिएट करने की, ये जो पावर है आपका स्पेस देने की कि आप ऑपोजिशन पार्टी के खिलाफ बोल सको, आप रूलिंग पार्टी को चैलेंज कर सको, ये सब आपको इस केस में नहीं मिलेगा। आपको अथॉरिटेरियन के केस में ये पावर नहीं मिलेगी कि आप किसी और पॉलिटिकल पार्टी को क्रिटिसाइज कर सको या फिर उसके खिलाफ कंपटीशन स्टार्ट कर सको। इसका मतलब अभी तक जो मैंने आपको फीचर्स बोले उनमें से कोई भी फीचर डेमोक्रेसी जैसा तो नहीं है। इसका क्लियर मतलब ये है कि हमारा अथॉरिटेरियनिज्म का रेजीम होता है जो, वो डेमोक्रेसी के जैसा नहीं होता, बल्कि वो डेमोक्रेसी से बिल्कुल उल्टा होता है। डेमोक्रेसी जैसा नहीं, डेमोक्रेसी से बिल्कुल उल्टा होता है, कॉन्ट्रास्ट में होता है। गुड इवनिंग इंद्रनील। अच्छा, अब यहां पर एक और लाइन लिखी गई है कि ये टोटालिटेरियनिज्म से भी अलग होता है। अथॉरिटेरियनिज्म डेमोक्रेसी के ऑपोजिट है और टोटालिटेरियनिज्म के भी ऑपोजिट है। मैं अभी आपको टोटालिटेरियनिज्म वाला पॉइंट नहीं शुरू कराऊंगी, पहले मैं चाहती हूँ कि आप ये सीख लो कि अथॉरिटेरियनिज्म खुद में क्या है। अच्छा, पहले कि अगर मैं आपको अथॉरिटेरियन की शुरुआत कराऊं कि हाँ भाई अथॉरिटेरियन रेजीम आया था तो कहाँ कौन से देशों में सबसे पहले इसके ऊपर बात की जाती थी, तो जो स्कॉलर्स थे उनके अकॉर्डिंग जो प्रो वेस्टर्न, जो मिलिट्री साइड था, मिलिट्री डिक्टेटरशिप थी। अच्छा, डिक्टेटरशिप की भी तो निशानी वही होती है अथॉरिटेरियन रेजीम वाली, यानी एक लीडर सबके ऊपर भारी होगा, वो ऑपोजिशन में किसी को भी खड़े नहीं करने देगा, है ना। तो आप लोगों को ऐसा समझ आ रहा है कि इस केस में प्रो वेस्टर्न जो मिलिट्री होती थी, जहां डिक्टेटरशिप है मिलिट्री की, जो लैटिन अमेरिका हो गया, बाकी जो सेंचुरीज थी 20th century की, बाकी जो मिलिट्री कंट्रीज थी, पहले तो एग्जाम्पल वो हुआ करते थे। ठीक है, आज क्या है एग्जाम्पल वो हम देखेंगे। इस बात को माइंड में रखिएगा कि अभी हम लोगों ने एग्जाम्पल्स देखने हैं नए वाले, कि अथॉरिटेरियन के जो न्यू एग्जाम्पल्स हैं वो क्या हो सकते हैं, कौन से होते हैं, ये अभी हमने करना है, इसको माइंड से निकालना मत। उससे पहले मैं आप लोगों को यहाँ पर एक बात बताती हूँ जो कि है कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स, यानी अथॉरिटेरियन कंट्री को आप पहचानोगे कैसे,
आप कैसे जानोगे कि कौन सा देश इस तरह के फीचर्स रखता है कि मैं उसको अथॉरिटेरियन की कैटेगरी में रख सकूं? तो जुआन लेंस करके एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट है, अथॉरिटेरियनिज्म को डिफाइन करते हुए इसने बोला अथॉरिटेरियनिज्म के पास चार क्वालिटीज होती हैं। यहां पर पॉलिटिकल प्लूरलिज्म नहीं होगा, मतलब आपके पास बहुवाद करने का जो ऑप्शन है वो यहाँ मिसिंग है। प्लूरल क्या होता है, आप लोगों को मैंने बहुत बार ही बताया है। प्लूरलिज्म क्या होगा, सिंगुलर के ऑपोजिट, मतलब एक ऐसा देश जहां पर बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हो, जहां पार्टीज काफी सारी हो, लोगों की कैटेगरी बहुत अलग अलग हो, वैरायटी हो, वो प्लूरलिस्ट होगा, है ना। मल्टीपल चॉइसेस हो, वेरी नाइस इंडियन। डाइवर्सिटी हो, गुड स्वाति, वेरी नाइस, मल्टीपल हो। लेकिन अथॉरिटेरियन के केस में ये नहीं हो सकता, क्योंकि जितनी ज्यादा डाइवर्सिटी होगी उतनी तरह के लोग ऊपर उठकर आएंगे और अपने अधिकार को मांगेंगे, और हमारे पास हिम्मत नहीं है अधिकार देने की, क्योंकि हम चाहते हैं सर्वश्रेष्ठ एक व्यक्ति का राज्य हो। ठीक है, अब आप इस रिस्पेक्ट में सोचो कि क्या आप एक अथॉरिटेरियन राज्य में लेजिस्लेचर को फ्री कर सकते हो, आप पॉलिटिकल पार्टीज को फ्री छोड़ सकते हो, आप इंटरेस्ट ग्रुप्स को फ्री छोड़ सकते हो? नहीं, क्योंकि अगर आपने इन तीनों में से किसी को भी फ्री छोड़ दिया तो इनके पर फैल जाएंगे, और जब पर फैल जाएंगे तो वो आपके पर काट सकते हैं। जैसे मैं आपको कंपैरिजन समझाती हूँ, अब आप डेमोक्रेसी में मीडिया को आजाद छोड़ते हो, तभी नेता मीडिया से डरते हैं, तभी उन्हें पता है मीडिया के आगे बदतमीजी करेंगे तो अगले ही दिन अपनी पोजीशन से हाथ खोना पड़ेगा। या तो मीडिया खरीद लो या फिर मीडिया के सामने झुक जाओ, क्योंकि आप डेमोक्रेटिक देश में हो। लेकिन आप जिस वजह से इस अथॉरिटेरियन रिजीम की बात कर रहे हो, वहां आप अपने से ऊपर किसी को आने दोगे तो वो आपको गिरा देगा, तो आप किसी को ऊपर ही नहीं आने देते इस वजह से। इसलिए इनकी ये निशानी है कि जितना हो सके एक देश में जो आपकी इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जो इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको दबा दो। थैंक यू मृणमोय, थैंक यू सो मच। ऑल राइट, लेट्स मूव अहेड। उसके बाद आता है सेकंड पॉइंट, वो फर्स्ट पॉइंट था, ये सेकंड पॉइंट है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि जैसे आपको लग रहा है कि भाई मेरे देश में इंटरनल अटैक्स चल रहे हैं, इंसर्जेंसी, जैसे हमारे यहाँ माओविस्ट इंसर्जेंसी छत्तीसगढ़ बिहार साइड होती है, ऐसा कोई केस हो जाए, या फिर मान लो आपको लग रहा है कि आपके देश में अंडर डेवलपमेंट हो रही है, आपको लग रहा है कि भाई मेरी सरकार काम नहीं कर रही, आप नहीं सवाल उठा सकते। आप कैसे सवाल उठाओगे, आप कैसे सवाल उठाओगे, आपके पास अधिकार ही नहीं है, क्योंकि आपने तो इतने सारे अधिकार, जैसे मैंने आपको फर्स्ट स्लाइड में बोला, आपने तो अंधाधुंध सौंप दिए ना ऑलरेडी। आपसे आकर कोई नहीं पूछेगा कि आपको कैसा फील हो रहा है देश में, आपके क्या अधिकार मैं दे पा रहा हूं क्या नहीं, नहीं। अब आते हैं थर्ड पॉइंट पे। दूसरी बात यह है कि अगर आपके रेजीम के खिलाफ कोई उठने की कोशिश करेगा, वो दबा दिया जाएगा, उसको खत्म कर दिया जाएगा। और उससे बड़ी बात यह है कि जैसे आप यहाँ पर, आपको अगर इलेक्शन लड़ना है या खुद को प्रूफ करना है, आप प्रचार करते फिरते हो, आप पार्टी में शामिल होते हो, आप ग्रुप में शामिल होते हो, आप सोशल मीडिया यूज करते हो और अपना प्रचार करते हो। लेकिन वहां पर ये प्रचार वगैरह करने के कोई ऑप्शन नहीं रह जाते, क्योंकि आपको पता है कि अगर आपने किसी और को ये मौका दिया और जनता उससे खुश हो गई, तो अगली बारी आप क्या करोगे? आपको ये भी तो दिखाना है ना कि मैं हमेशा जीतता आ रहा हूं, और आपको हमेशा जीतना भी है। अगर आप दूसरे को मौका दोगे तो आपके जीतने का चांस कम हो जाएगा। और लास्ट आता है कि आप एग्जीक्यूटिव पावर डिफाइन नहीं करते। जैसे यहाँ पर तो डिसाइडेड है कि भाई प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री के साथ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स डिसीजन लेंगे, बट वहां पर क्या होता है, जब मन आए, जिसका मन आए वो उस चीज में पार्टिसिपेट कर लेगा। कोई ऑफिस डिसाइडेड नहीं है, कोई फंक्शन स्पेसिफाइड नहीं है, अपने ही रिश्तेदार और फैमिली को प्रमोट किया जाता है। ठीक है, अब हम लोग अगर इसका एक फटाफट से कंक्लूजन देखना चाहें कि अगर हमें एक देश को पहचानना हो दूर से कि इसमें ऐसा क्या है कि ये अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट है, तो सबसे पहले तो इसमें जो फ्री और कॉम्पिटिटिव डायरेक्ट इलेक्शंस हैं लेजिस्लेचर के,
वो नहीं होंगे, यानी इलेक्शंस नहीं होंगे। हाय असलम, गुड इवनिंग। ठीक है, किसी भी तरह के डायरेक्ट इलेक्शंस नहीं होंगे। और दूसरी बात यह है, आपको ऐसी कोई सिविल अधिकार, जो आपको नागरिक होने के अधिकार मिलते हैं ना अदरवाइज, जैसे मेरे को पता है मेरे को मेरा धर्म पालन करने का पूरा अधिकार है, ऐसे जो नागरिकता के तौर पर अधिकार मिलने होते हैं वो यहाँ नहीं मिलते। आपका फ्रीडम ऑफ रिलीजन हो गया या ऐसी चीजें हो गई, वो सब सप्रेस कर दिया जाता है, क्योंकि आप अपनी पीपल को एक बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड लिमिट में रखना चाहते हो कि वो अपनी जगह से बाहर ना निकले, अपने आप को ज्यादा स्ट्रांग ना महसूस करें किसी भी तरीके से। ठीक है, तो अब आपके मन में ये क्वेश्चन आ सकता है कि मैम इस केसेस में जो आप अपने अभी तक एक्सप्लेन करा, अब आप ये बता दीजिए कि इसमें कोई पार्टीज होंगी भी, पॉलिटिकल पार्टीज, या नहीं होंगी, मतलब इलेक्शंस होते भी होंगे या बिल्कुल नहीं होते होंगे। हो सकता है बहुत सारे बच्चों के मन में क्वेश्चन आ रहा हो, क्योंकि मेरे में भी आ रहा है ये क्वेश्चन। मैं आपको इसका आंसर देती हूँ दो तरीके से। कुछ अथॉरिटेरियन सोसाइटीज बहुत डीप अथॉरिटेरियन होती है, मतलब बड़ी स्ट्रिक्ट टाइप की, उन अथॉरिटेरियन सोसाइटीज में ना तो इलेक्शंस होते हैं डायरेक्ट वाले, ना वहां पर लेजिस्लेचर होता है, ना बाकी इंस्टीट्यूशंस डिफाइंड होते हैं। बट कुछ अथॉरिटेरियन कंट्रीज ऐसी होती हैं जो, हाँ जी मैम, तो फिर अथॉरिटी कैसे पास होगा, मैं बता रही हूँ, एक सेकेंड रुको लक्ष्मी रेखा। लेकिन कुछ अथॉरिटेरियन कंट्रीज ऐसी होती हैं जिनमें पॉलिटिकल पार्टीज हो सकती हैं, इलेक्शंस कराए जा सकते हैं। वो ये नहीं कि इलेक्शंस हमेशा कॉम्पिटिटिव ही हों, हो सकता है इलेक्शंस हमेशा वन साइडेड होते हैं, एक पार्टी या एक व्यक्ति की पार्टी हमेशा बहुत मजबूत होती हो और दूसरा हमेशा कमजोर होता हो। बट इलेक्शंस हो सकते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज हो सकती हैं, मतलब बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक्स अलग अलग हो सकती हैं। ठीक है, समझ आ गया। चलिए अब मैं आप लोगों को एक इंटरेस्टिंग पॉइंट बताती हूँ। अथॉरिटेरियन रिजीम आज के जमाने में बहुत कम हो चुकी हैं, बहुत ज्यादा इनका जो जैसे वो है कि एक शेयर है वर्ल्ड पॉलिटिक्स में, काफी कम हो गया है 2000 के बाद से। तो 2000 के बाद से डेमोक्रेसी काफी शुरू हो गई है, और इसको जो बढ़ावा है डेमोक्रेसी का, उसने ऐसे रेजिम्स जो नॉन डेमोक्रेटिक है उनको खत्म कर दिया है। मैंने आप लोगों को पीछे एक बात बोली थी, उससे पहले मैं शिखा का क्वेश्चन ले लूँ। मैम, अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट क्या अपने कंट्री को डेवलप करना चाहता है या मॉडर्न होने से रोकते हैं? इसके बहुत अलग अलग कैटेगरीज हो सकते हैं। अथॉरिटेरियन में भी आगे बहुत सारे डिविजन है कि कुछ बहुत स्ट्रिक्ट अथॉरिटेरियन, कुछ बहुत बेकार अथॉरिटेरियन। उस सेंस में ऐसा नहीं कि वो डेवलपमेंट नहीं करना चाहते, बट अगर वो करते हैं तो भी आप सवाल नहीं उठा सकते, अगर वो नहीं करते तब भी आप सवाल नहीं उठा सकते। ठीक है, और असलम आपने लेट ज्वाइन किया है, मैंने इसका आंसर ऑलरेडी दे दिया था, ये कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का चैप्टर है। ऑलराइट, मूविंग अहेड, मैंने आप लोगों को ऊपर एक क्वेश्चन लिख कर दिया है, पता कैसे लगेगा कि कौन सा देश अथॉरिटेरियन है? ठीक है, सो पता लगाने के लिए एक डेमोक्रेसी इंडेक्स होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क करिए फॉर योर करंट अफेयर्स। और जो बच्चे इंडियन पॉलिटी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, यूपीएससी या स्टेट पीसीएस के लिए, उनके लिए भी बहुत बड़ा क्वेश्चन है ये जो अभी स्क्रीन पर लिखा हुआ है। डेमोक्रेसी इंडेक्स एक ऐसा इंडेक्स है जिसको EIU इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट मेजर करता है। ये यूके की एक ऐसी कंपनी है जो डिसाइड करती है कौन से देश डेमोक्रेटिक हैं, किस लेवल के हैं और किस लेवल के नहीं। जब इनको ये डिफाइन करती है तो 2006 में जब ये पहली बार पब्लिश हुआ, उसके बाद हर दो साल के बाद ये आता है, 2008 में, 2010 में और उसके बाद भी। ये 60 इंडिकेटर्स, मतलब 60 चीजों के आधार पर देशों को बांटता है कि वो चार कैटेगरीज में से कौन से, यस राइट इंद्रनील, चार में से कौन सी कैटेगरी में आते हैं, फुल डेमोक्रेसी, फ्लॉड डेमोक्रेसी, हाइब्रिड रेजीम और अथॉरिटेरियन रेजीम। तो चार कैटेगरी में वो इसको बांटते हैं। आपको जानकर बहुत हैरानी होगी कि इंडिया बहुत ही लोअर रैंक पे एक फ्लॉड डेमोक्रेसी का हिस्सा है फिलहाल, जो नया इंडेक्स आया है उसमें,
और फ्लॉड डेमोक्रेसी का मतलब क्या है? एक ऐसी डेमोक्रेसी जो कहने को डेमोक्रेसी है बट उसमें बहुत सारी कमियां हैं, अभी उसमें बहुत सारी मिस्टेक्स हैं, बहुत सारी चीजें पेंडिंग हैं। सो ये जो इंडेक्स है, ये मैंने आपको पहले ही बोला डेमोक्रेसी इंडेक्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके आधार पर लेट्स हैव अ लुक क्विकली एट द स्क्रीन कि अथॉरिटेरियन कंट्रीज नए चार्ट के हिसाब से नई अथॉरिटी जो है वो कौन सी चल रही है। फटाफट से चेक करते हैं, जॉर्डन, कुवैत, मोरेटिना, पैलेस्टीन, इराक, अंगोला, मोजाम्बिक, म्यांमार, निकारगुआ, नाइगर, कतार, ठीक है, ये सारे, और उसके अलावा रवांडा, क्यूबा, इजिप्ट, रशिया, कॉमोरोस, बहुत लंबी लिस्ट है। मैंने ये लिस्ट ली है विकिपीडिया से और एक वेबसाइट है जो इनकी अपनी, आप लोगों को मैं यहाँ पर क्लियर कर देती हूँ, ये जो EIU की वेबसाइट है, तो मैंने इनकी वेबसाइट से EIU की और विकिपीडिया की हेल्प से आप लोगों के लिए ये चार्ट लेकर आया है। और किसी का बीच में क्वेश्चन है एंटरटेनमेंट वर्ल्ड चाइना इज इन विच कैटेगरी, अगेन इन द कैटेगरी ऑफ अथॉरिटेरियन, इस चार्ट के हिसाब से चाइना अथॉरिटेरियन की कैटेगरी में है, ठीक है। तो आप लोग ऐसा करें कि आप इस चार्ट को अगर ढंग से पढ़ना चाहते हैं इंडिया के बारे में, बाकियों के बारे में, आपको ये रेड चार्ट नजर आ रहा है, ये सारी कंट्रीज वो दिखा रहा है जो अथॉरिटेरियन है, ठीक है। चलिए, अब मैंने आप लोगों को आपका अथॉरिटेरियन का पार्ट करा दिया पूरा। आई होप अब आप लोग रेडी होंगे टोटलिटेरियनिज्म स्टार्ट करने के लिए, ठीक है। टोटलिटेरियनिज्म स्टार्ट करने के लिए रेडी हैं आप लोग। आपका जो क्वेश्चन है, व्हाट्स योर नेम? तस्लीमा मलिक। योर क्वेश्चन आंसर इज ऑलरेडी रिटन, जॉर्डन का नाम सबसे ऊपर है अगर आपने चार्ट देखा है। बाकी इंफॉर्मेशन के लिए यू मस्ट गो एंड गूगल द चार्ट योर सेल्फ। टोटलिटेरियनिज्म एक ऐसा टर्म है जो एक ऐसे पॉलिटिकल सिस्टम या फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात करता है जो पूरी तरीके से शासन करने में बिलीव करता हो, पूरी तरीके से शासन करने में बिलीव करता हो। ऐसे में ये पॉलिटिकल सिस्टम, अगर आप अथॉरिटेरियन याद करोगे, वो आपको कंप्लीट रोक नहीं कर रहा, वो आप पे कंप्लीट रोक नहीं लगा रहा। मैंने आपको कहा ना, वहां इलेक्शंस भी हो सकते हैं, वहां वोटिंग भी हो सकती है इनडायरेक्ट डायरेक्ट कंपटीशन के बिना, वहां पॉलिटिकल पार्टीज भी बनाई जा सकती हैं, वहां अपोजिशन अपना सोच समझ के काम भी कर सकता है, लेकिन यहाँ आप कुछ भी नहीं कर सकते। टोटलिटेरियनिज्म एक ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम है जहां पर आप कुछ भी नहीं कर सकते। ये इंडिविजुअल को अपोज करता है राज्य के कोई भी तरफ जवाब देने से, बोलने से, क्लेम करने से, कोई एक्सरसाइज करने से कंट्रोल का, पब्लिक या प्राइवेट लाइफ के ऊपर, सब खत्म। तो सर्व अधिकारवाद यहां मतलब आपको क्या बता रहा है? सर्व अधिकार मीन्स कंप्लीट कंट्रोल, टोटल कंट्रोल, ठीक है। अच्छा, कोई बात नहीं प्रीति, ऑल राइट, थैंक यू तस्लीमा, थैंक यू सो मच, ऑल राइट, मूविंग अहेड। ये जो है जैसे हम, वेरी नाइस जितेंद्र, वेरी नाइस, गिव अ बिग हैंड टू जितेंद्र, बहुत बढ़िया आपने इंफॉर्मेशन दी है यहाँ पर, मैं अभी इसको कंटिन्यू करूंगी आगे। जैसे अथॉरिटेरियनिज्म है, अगर अथॉरिटेरियनिज्म को और ज्यादा कॉम्प्लेक्स कर दो ना, अगर उसको और ज्यादा कह दो एक्सट्रीम है, और ज्यादा टफ है, और ज्यादा डिफिकल्ट है, तो वो टोटलिटेरियन है। अब आप मतलब समझ पा रहे हो, सर्व अधिकारवाद और अथॉरिटेरियनिज्म का अब आप मतलब समझ पा रहे होंगे कि ये कैसे, क्यों अलग हुआ, और ये दो अलग अलग पॉइंट्स क्यों हैं, क्योंकि ये उससे ज्यादा घना, उससे ज्यादा डीप, उससे ज्यादा हर्टिंग है। टोटलिटेरियन स्टेट्स में जो पावर है वो पूरी 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 तरीके से ऑटोक्रेटिक, यानी किसी ना किसी के हाथ में ही होती है। और आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग यहाँ पर बात बताती जो हमने आज तक कभी नहीं पढ़ी, यहाँ पर वो अपने प्रोपोगंडा के लिए, अपने फेक प्रमोशन के लिए, अपने आप को पूरे समाज में झलकाने के लिए
मास मीडिया को देश की खरीद लेते हैं, मास मीडिया को खरीद लेते हैं और अपनी तरफ से घुमाते हैं, जैसा जैसा उनका दिल चाहता है वैसे वैसे अपने अपने काम के लिए मीडिया को घुमाते हैं। बिल्कुल तस्लीम, वेरी वेरी गुड तस्लीमा, सॉरी। तो टोटलिटेरियन रेजीम की भी कुछ निशानियां होती हैं, चेक करते हैं कि वो निशानियां या कैरेक्टरिस्टिक्स किस प्रकार से हैं। बहुत इंपॉर्टेंट, ये पॉलिटिकली दबाने का काम करते हैं, रिप्रेशन मींस किसी को भी दबाने का काम करेंगे। इनमें डेमोक्रेसी की कोई एक निशानी भी नहीं पाई जाएगी, ठीक है। ये जो इकोनॉमी होती है देश की, ना सिर्फ पॉलिटिकल, यानी कि ना सिर्फ आप किसी भी तरीके से आप कह सकते हो कि आप जो कंट्रोल कर रहे हो वो सिर्फ पॉलिटिकल नहीं है, वो इकोनॉमिक भी है, वो पैसे से भी जुड़ा हुआ है। आप कहीं ना कहीं मास सेंसरशिप कर देते हो, लोगों को बड़े अमाउंट में रोक देते हो। आप इमेजिन करो, मैं आपको एक सिचुएशन रखती हूँ यहाँ सबके सामने, मुझे फटाफट कमेंट करके बताना आप में से कौन ये बर्दाश्त कर लेगा अगर दिन रात सरकार आपका फोन टैप करती रहे, हर दिन हर वक्त आपका फोन टैप हो, आपके घर के आगे एक सुरक्षा के, एक सुरक्षा नहीं एक कंट्रोल के पर्सपेक्टिव से पुलिस रहे और वो पुलिस हमेशा आपको ये कहे कि तुम यहाँ क्यों जा रहे हो, तुम ये सामान नहीं ला सकते, तुम ये नहीं खाओगे, आप ये नहीं सोच सकते, आप देश छोड़कर नहीं जाओगे, आप आज घर से बाहर नहीं निकलोगे, शहर नहीं छोड़ोगे। अब आप मेरे को ये बताओ ये बर्दाश्त करना किसके बस में है। बट अथॉरिटेरियन रेजीम ऐसा नहीं था, अथॉरिटेरियन रेजीम इससे बहुत ज़्यादा सॉफ्ट था। अब आप सोचो टोटलिटेरियन रेजीम कितना ज़्यादा सख्त, स्ट्रिक्ट और कितना ज़्यादा तानाशाही का प्रमोशन करता है ना। और उसके अलावा अगर आप नहीं सुनते तो आपको स्टेट टेररिज्म, मतलब आप अपने राज्य में ही आतंकवाद पैदा करवा कर आपको खत्म कराने का वो काम कर देंगे, ठीक है। रिप्रेशन और सप्रेशन में अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट एंड टोटलिटेरियन गवर्नमेंट में एक्सक्लूसिव कौन सा कहां फिट होगा, मृण्मय आई विल आंसर यू, वेरी वेरी नाइस क्वेश्चन, बहुत बढ़िया, ठीक है जी। तो हम लोग सॉरी डिस्कस कर रहे थे टोटलिटेरियन रिजीम के। अच्छा कुछ और मैं आपको बातें बताती हूँ, जैसे स्टेट टेररिज्म इन द फॉर्म ऑफ पुलिस आर्मी मिलिट्री, वेरी नाइस इंद्रनील, वेरी हैप्पी फॉर ऑल दो स्टूडेंट्स जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, क्योंकि टॉपिक कराने का बहुत मजा आ रहा है मुझे तो, खासकर आपका पता नहीं, आई लव दिस क्लास ऑफ टीचिंग बिकॉज आप लोग बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट कर रहे हो। तो जैसे अब मान लो कि मुझे, मान लो कि मैं सिख हूँ तो मुझे गुरुद्वारे जाना है, अगर मुझे गुरुद्वारे जाना है और मुझे अपना सिख कल्चर को मेंटेन करना है घर में भी और बाहर भी, और मुझे वो मना कर देंगे, वो कहेंगे कि राज्य है जो, राज्य का कोई धर्म नहीं है, कोई धर्म नहीं है, तो तुम भी धर्म नहीं पालन करोगी, आज से तुम्हारा कोई धर्म नहीं होगा, तो तुम भी चुप रहो और कुछ मत पालन करो, तो वो मेरे लिए बहुत हर्टिंग है। या फिर अगर किसी बहुत उसके दो जो लीडर है उसकी फैमिली मेंबर्स के पास बड़े बड़े हथियार हैं, उनको कुछ नहीं कहा जाएगा बट मेरे को सर्वाइव करने के लिए जगह नहीं मिलेगी। तो आपको कहीं ना कहीं ये लग सकता है कि मैम अभी भी मुझे नहीं समझ आ रहा कि इनके बीच का डिफरेंस क्या है, तो मैं आपको एक बहुत अच्छी सी एक लास्ट बात बताऊंगी जिससे आई नो, आई एम श्योर आप लोगों को ये पॉइंट याद हो जाएगा। वो लास्ट लाइन ये है कि टोटलिटेरियन गवर्नमेंट कभी भी बिना आइडियोलॉजी के काम नहीं करती, टोटलिटेरियन गवर्नमेंट बिना आइडियोलॉजी के नहीं होती। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देती हूँ। जब ओरिजिन ऑफ टोटलिटेरियनिज्म हैना एरेंट ने लिखी, तो हैना एरेंट ने कहा नाजी जर्मनी और चाइना का कम्युनिस्ट होना ये नए तरीके के गवर्नमेंट है, ये टायरनी नहीं है, ये आइडियोलॉजी के आधार पर एक इंसान को जीने मरने और रहने के तरीके सिखाना है। मतलब मैं कोई भी गलत काम करूं मैं रीजन क्या दूंगा, मेरी तो आइडियोलॉजी है, मेरा ये विश्वास है और तुम इस बात को मानो क्योंकि ये आइडियोलॉजी है। तो मतलब आप क्या कर रहे हो, आप हर चीज का जवाब आइडियोलॉजी में समा रहे हो, आप हर गलती को आइडियोलॉजी के थ्रू रिप्रेजेंट कर रहे हो, आप कह रहे हो जो गलत है
वो सब आइडियोलॉजी की वजह से है, जो सही है वो सब आइडियोलॉजी की वजह से है, ये सब अथॉरिटेरियन में नहीं था। अब जैसे नाजी जर्मनी के लोग कहते हैं प्रतिमा कि हिस्ट्री जो है रेस स्ट्रगल है, मार्क्सिज्म लेनिनिज्म का कॉन्सेप्ट कहता है हिस्ट्री क्लास स्ट्रगल है ना। लेकिन अगर आपने ये बात पूरी तरीके से स्वीकार कर ली तो कल को जो भी बात आपको बतानी होगी आप हमेशा यही कह के बताओगे कि हिस्ट्री तो क्लास स्ट्रगल है, अगर तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है तो ये हिस्ट्री की वजह से, तो ये क्लास स्ट्रगल की वजह से है, क्योंकि ये आइडियोलॉजी है आपकी। आप हर चीज का जवाब आइडियोलॉजी से देते हो। मैंने एरेंट के अलावा आपको कुछ और लोग भी बताए हैं यहाँ पर जो हमेशा टोटलिटेरियनिज्म को सिर्फ आइडियोलॉजी की नजर से ही देखते थे। आप अगर चाहें तो आप इसको बाद में रीड कर सकते हैं अपनी नॉलेज इंक्रीज करने के लिए। कार्ल डेट्रिश, क्लॉड लिफोर्ट, रिचर्ड लोवेनथल, ये सब लोगों के ना, कार्ल पॉपर, आप इनको रीड कर सकते हो। लेकिन मैं आपको कुछ एक फीचर्स के साथ आपको ये कंक्लूड करूंगी। जैसे आइडियोलॉजी होती है इनके पास, सिंगल पार्टी होती है, डिक्टेटरशिप होती है, मोनोपोली यानी सिंगल कंट्रोल होता है हर चीज के ऊपर, ठीक है, सब चीजों पे। एंड इसकी एग्जांपल्स देने के लिए मैं आपको कुछ लीडर्स, कंट्रीज और रेजिम्स के नाम लेकर आई हूँ। दैट ऑल्सो यू मस्ट हैव अ लुक। जोसेफ स्टालिन, जिसने सोवियत यूनियन में टोटलिटेरियन रेजिम चलाया है। बेनिटो मुसोलिनी, मुसोलिनी का आपको पता है इटली में उसने पावर कंट्रोल किया था 1922 में। मुसोलिनी के बाद हिटलर, आपको पता है जर्मनी। नॉर्थ कोरिया प्रेजेंटली भी एक टोटलिटेरियन रेजिम है क्योंकि एक ही परिवार इसको कंट्रोल करता आया है। एंड माओ ज़ेडोंग ने चाइना में टोटलिटेरियनिज्म के कॉन्सेप्ट से अपनी जिंदगी और चाइना की लाइफ कंट्रोल की थी। सो दिस विल बी द एंड ऑफ योर क्लास ऑन टोटलिटेरियन एंड अथॉरिटेरियन रेजिम। आपको कोई भी परेशानी हो, कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। हाँ, ये आपको इजीली कंटेंट नहीं मिलेगा बिकॉज ये बहुत रिसर्च के बाद बनाया गया पीडीएफ है। सो आप लोगों को पता है पीडीएफ आपको प्लस स्टूडेंट्स होने पर ही मिलता है सिर्फ। सो डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन माय प्लस क्लासेस ऑन एन अकेडमी। एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू यूज माय कोड सुप्रीत लाइव, जो आपको देगा 10% ऑफ ऑन प्लस सब्सक्रिप्शन। Thank you guys for loving all my classes and giving so much love. I will see you tomorrow on An Academy's free class. Thank you guys. Thank you. Thank you very, very much. Bye bye. Have a wonderful day.